सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। अल्मोड़ा में भी इस योजना के विरोध में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। आक्रोशित युवाओं ने आज चौगान पाटा से माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में रैली निकाली। इससे पहले बेरोजगार युवा गांधी पार्क में जमा हुए, जहां उन्होंने सरकार की सेना भर्ती की नई योजना का विरोध किया। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कहा कि कोई 5 तो कोई 3 साल से सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है, लेकिन सेना में 4 साल की भर्ती की स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने पिछले 2 साल से रुकी आर्मी की लिखित परीक्षा कराने की भी मांग की है। कोई हो, लेकिन यहाँ पर कोई युवा होगा, सिर्फ युवा देश के लिए लड़ने वाला युवा, नेताओं के लिए नहीं है, देश के लिए है। फौजी बनते हैं देश के लिए, परमानेंट चाहेंगे और परमानेंट हो जाएंगे। और न बीजेपी को किया न कांग्रेस को, बस मैं अपने देश के लिए मरना चाहता हूँ, इस मिट्टी में मरना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से अपने को यहाँ घिस रहे, इस रोड में दौड़ है। हम किसान परिवार से है भाई, हमारी भी इतनी मजबूरियां होती है। घर वाले कहते हैं भाई क्या कर रहा है, हम कह रहे हैं 1.5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्या करें, हम मर जाए। अगर मरना ही सुबह ये मतलब इसका वो होता है, हम मर भी जाते हैं, मर भी चुके हैं। जो रिटर्न आया हुआ है, रिटर्न लेना है सबसे पहले। और जो ये 4 साल के लिए जो मोदी जी कहते हैं, ये बीजेपी सरकार कह रही है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल के लिए हमें एक क्या कहते हैं युवा को भर्ती देंगे, उसके बाद हमने 4 साल बाद निकालने के बाद हम दोबारा नए युवा को 4 साल का देंगे। क्यों पहले के क्या बंदे वन रैंक वन पेंशन थी, आज के लड़कों के अंदर ये गलती नहीं है क्या? क्या आज के लड़के सिर्फ 4 साल के लिए ही यहाँ पे दंड बैठक, फ्रंट रूल, दौड़ सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं क्या? 4 साल के बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या? ये घर आके